बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस मार्बल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम विदाउट ओवन एक पतीले में तैयार करेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है और देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी, सबसे पहले हम एक बाउल में हाफ कप ऑयल डालेंगे और इसमें शुगर पाउडर डालेंगे 1 कप। मैंने नॉर्मल चीनी ली थी और इसे मैंने ग्राइंडर में डालकर अच्छे से इसका पाउडर बना लिया था। और इसे हम एक दफ़ा स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे ताकि जब हम इसे बीटर से बीट करें तो शुगर हमारे उड़े ना। ये देखें, अब इसे हम बीटर से अच्छी तरह से बीट करेंगे जब तक ये फ्लफी और इसका कलर बिल्कुल लाइट नहीं हो जाता। ये देखें, साइडों से एक दफ़ा हम इसे उतार लेंगे इस तरह से। और इसे बीटर से हम 1 से 2 मिनट तक और बीट करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्लफी हो जाए। ये देखें, ये कितनी फ्लफी और लाइट हो गई है। ये रेडी हो गया है। अब इसमें हम 3 अंडे डालेंगे एक एक करके। पहले 1 अंडा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब दूसरा डालेंगे, मिक्स करेंगे। और अब हम 3 अंडा डाल देंगे और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। देखें, ये मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इसके ऊपर हम एक छन्ना रखेंगे और इसमें 1.5 कप मैदा डालेंगे। मैदे में मैंने 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया था और अब इसे हम अच्छे से छान लेंगे। और इसे स्पैचुला से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें कोई भी गुठली ना रहे। ये देखें, बैटर हमारा रेडी हो गया है। सेम ऐसे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। और अब हम बैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक बाउल में हाफ ऑफ कर लेंगे बैटर को, दोनों बाउल में। और एक वाले बाउल में हम लेमन एसेंस डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दूसरे वाले बाउल में हम 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर कोको पाउडर डालते वक्त आपका बैटर थोड़ा सा थिक हो जाए तो आप इसमें दूध ऐड कर लीजिएगा। देखें, बैटर हमारा रेडी है। अब हम एक लोफ पैन लेंगे। लोफ पैन को मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके इस पर
बटर पेपर लगा दिया था। और अब हम बैटर को इस तरह से डालेंगे। सबसे पहले हम व्हाइट वाला बैटर डालेंगे और इसे इस तरह से सेट कर लेंगे। और अब हम चॉकलेट वाला बैटर डालेंगे इस तरह से। ये देखें, सेम इसी तरह से मैं सारा बैटर वन बाय वन डालूंगी। ये देखें, मैंने सारा बैटर सेम इसी तरह से डाल लिया था। अब हम टूथपिक से इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। आपको जैसा डिज़ाइन पसंद हो आप वैसा डिज़ाइन बना लीजिएगा। देखें, ये रेडी हो गया है। और अब हम इसे बेक करेंगे। तो मैं इसके लिए मैंने पतीले को प्री हीट कर लिया था। अब इसमें हम केक रख कर इसे 50 से 60 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। तो जी देखें, 50 मिनट हो चुके हैं। अब हम केक को चेक करेंगे। एक स्कीवर से हम केक को चेक करेंगे। देखें, ये बिल्कुल क्लीन है। तो इसका मतलब केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है। अब इसे हम बाहर निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो जी, केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम नाइफ की मदद से इसे इस तरह से साइडों से लैदा कर लेंगे। देखें, बटर पेपर को हटा देंगे। और देखें, माशाल्लाह से हमारा केक कितना अच्छा बेक हुआ है, कितना अच्छा कलर आया है इसका। केक सुपर सॉफ्ट तैयार हुआ है, जबकि ये खाने में भी काफ़ी डिलीशियस लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं मेरी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।